प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं राजकुमार दक्ष आगरा से बिलोंग करता हूं और विश्व की सबसे उभरती हुई फास्ट ग्रोइंग MLM और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि सही समय पर मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला और उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ हिंदुस्तान की सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी सेफ्सोप मिली। प्रिय मित्रों, यह भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे कम पढ़े लिखे किसान और बेरोजगार लोगों को करोड़पति बना चुकी है। जैसे कि मैं 12 साल पहले पढ़ाई पूरी करने के बाद एक शिक्षक के रूप में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। इन 12 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में 30,000 परिवारों के साथ सेफ्सोप से आज एक शानदार जिंदगी जी रहा हूँ। कुछ हजार रुपये कमाने वाले शिक्षक को आज लाखों रुपए में पहुंचाने वाली कंपनी को मैं सलाम करता हूं। और सबसे बड़ा सलाम और धन्यवाद मैं अपने उन आदर्शों को देना चाहूंगा जिनकी असीम कृपा और जिनके सानिध्य में रहकर मैंने यह कामयाबी का सफ़र तय किया, जिनमें सबसे पहला नाम है मेरे बिजनेस कोच श्री टिकेन सिंह चौधरी जी और मेरे मेंटर श्री देवेंद्र शर्मा जी, श्री सुनहरी लाल जी, श्री नरसिंह ग्रेवाल जी। आपने एक महान सिस्टम दिया जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिसकी उंगली पकड़कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। दोस्तों, प्रिय मित्रों, आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आपको इस बिजनेस के सबसे पावरफुल पार्ट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान पर चर्चा करूँ। लोगों को प्लान दिखाने की क्या भूमिका है, प्लान क्यों दिखाना ज़रूरी है, इसको दिखाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छा प्लान कैसे दिखाया जाए। अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आप 4 साल में सफल होना चाहेंगे या 40 साल में? अगर आपका जवाब 4 साल में है तो आप इस ऑडियो को पूरा होने तक जरूर सुने और आवश्यक लगे तो नोट्स भी बना लें। प्रिय मित्रों, हम और आप जन्म से लेकर मृत्यु तक एक काम जरूर करते हैं, अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए हर सामान का प्रमोशन। नहीं, मैं आपको अभी प्लान नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो आपको आपकी ताकत का एहसास करा रहा हूँ। हम जब भी किसी के सामने अपनी कोई बात रखते हैं या कोई सुझाव देते हैं तो आप खुद की मार्केटिंग करते हैं और आप जिंदगी भर खुद की मार्केटिंग करते ही रहते हैं। इसी से आपकी पहचान बनती है और इसी से आपके मित्र और व्यवहार बनता है। ठीक इसी तरह कोई भी बड़ी कंपनी जो आज अस्तित्व में है, वह पहले किसी के दिमाग में एक विचार बनकर आती है। वो व्यक्ति उस विचार को लोगों के सामने रखता है, या हम यूं समझें कि एक प्लान बनकर उसके दिमाग में आती है, वह उस प्लान को लोगों के सामने रखता है। इसका मतलब उस व्यक्ति ने एक महान कंपनी की मार्केटिंग शुरू कर दी है और देखते ही देखते वह साधारण सा व्यक्ति एक बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है। मैंने किताब में पढ़ा था विचार बनाए जिंदगी। प्रिय मित्र, ठीक वैसे ही सेफ्सोप आपके विचारों में आ चुकी है। अब आप इसको अपने विचारों में मत रखिए, इसकी मार्केटिंग शुरू कर दीजिए। मैं आपको 100% दावे के साथ और पूरे यकीन से कह सकता हूँ, आने वाले 4 साल में आप इस महान कंपनी सेफ्सोप में एक बहुत ही सफल और कामयाब इंसान बन चुके होंगे। मेरी सलाह मानिए और खुद को तैयार कर लीजिए, कमर कस लीजिए, सफलता का शिखर आपका इंतजार कर रहा है। बाने छोड़ दीजिए और प्लान दिखाना शुरू कीजिए। चलिए देखते हैं प्लान कितने प्रकार से किए जा सकते हैं और एक आदर्श प्लान कैसा होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने से पहले हम यह सुनिश्चित कर लें कि हमारे पास प्लान किट है या नहीं। बिना प्लान किट के प्लान दिखाने का मतलब दूध को पानी में बहाने के जैसा है। दोस्तों, एक अच्छा प्लान दिखाने वाला व्यक्ति फॉर्मल ड्रेस के साथ साथ समय का पाबंद भी होता है। आप 3 तरह से प्लान दिखा सकते हैं। नंबर 1 1-to-1 प्लान, नंबर 2 ग्रुप प्लान, नंबर 3 वेन्यू प्लान। 1-to-1 प्लान, यह प्लान आप अपने एसोसिएट के घर पर या अपने घर पर दिखा सकते हैं। प्लान दिखाते समय आपका जोश में रहना बेहद जरूरी है। प्लान की शुरुआत करने से पहले आप उनसे घुलने मिलने का प्रयास करें और पारिवारिक या सामाजिक चर्चा से अपनी बात शुरू करें। उनसे यह सवाल करें, जैसे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या सपने हैं। उनका जवाब आने के बाद
आप आज के समय जो काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वह सभी सपने पूरे हो सकते हैं? पुनः जवाब मिलने के बाद, मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी है जिससे ये सभी सपने आसानी से और कम समय में पूरे हो सकते हैं। नंबर 2, ग्रुप प्लान। इस प्लान को करने के लिए आप किसी एक व्यक्ति के घर पर कुछ और जैसे 5 या 10 लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। मेरी सफलता में सबसे बड़ा हाथ ग्रुप प्लान का है दोस्तों। मैं जब एक अच्छा प्लान देना सीख गया था तो एक दिन में 5 से 7 ग्रुप प्लान किया करता था और एक दिन में 40 से 50 लोगों को आसानी से प्लान दिखा दिया करता था और मेरे साथ उस समय 40 से 50% रिजल्ट आ जाते थे। आपको सुनकर आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है मित्रों। अगर काम की लगन लग जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। नंबर 3, वेन्यू प्लान। यह वीक में एक बार होता है दोस्तों। वेन्यू प्लान हमारे लिए किसी होली, दीपावली या ईद से कम नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्लान होता है। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। यही वो प्लान है जिसकी वजह से बहुत कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग आज करोड़पति बन चुके हैं। वेन्यू प्लान में आपके द्वारा ले जाया गया व्यक्ति यहाँ अकेला नहीं होता। जब वह अपने से भी ज़्यादा सफल लोगों को देखता है तो आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि एक टीचर जब दूसरे टीचर को यह काम करते हुए देखता है तो उसका भरोसा और मजबूत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि प्लान की स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। प्रिय मित्रों, अब मैं आपको अपनी सफलता के कुछ मूल मंत्र बताना चाहूँगा। अगर आपको सफलता के सागर में गोता लगाना है तो इस क्षणिक खुशी वाले कुएं से बाहर निकलना ही होगा और अपनी कमजोरी को अपनी ढाल बनाना होगा। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले बहुत सफल नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक सफल विचार की मार्केटिंग की और आज कामयाबी के शिखर पर हैं। अगर हम सोचते रहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आइए कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो हमारी तरह डरते थे लेकिन एक सफल विचार ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। जो अपनी क्षमताओं पर शक करते थे लेकिन उचित मौका मिलने पर उन्होंने इतिहास में अपनी एक नई पहचान बना ली, और मुझे पूर्ण विश्वास है इन्हें जानने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, आप भी कामयाब बनना चाहेंगे। मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। उचित शिक्षा लेने का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था दोस्तों। बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। प्रख्यात संगीतकार A.R. रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में ही हो गया था। मैं अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ। पूर्व राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम साहब भी अत्यंत गरीब घर में पैदा हुए थे। मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजारी है, मैं क्या कर पाऊंगा? तो बताना चाहूंगा, निर्मा कंपनी के मालिक करसन भाई पटेल ने भी साइकिल पर निर्मा बेचकर आधी जिंदगी गुजारी। एक दुर्घटना में मैं अपाहिज हो गया और मेरी हिम्मत चली गई। प्रख्यात नेतांगना सुधा चंद्रन के दोनों पैर नकली हैं। मुझे बचपन से मंद बुद्धि कहा जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपन में मंद बुद्धि कहा जाता था। मैं इतनी बार हार चुका हूँ कि अब हिम्मत नहीं बची है। हम भी बोलते हैं, मैं इतने प्लान दिखा चुका हूँ, अब प्लान दिखाने की हिम्मत नहीं बची है। दोस्तों, अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने। मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती। राजनीतिज्ञ लालू यादव को भी इंग्लिश नहीं आती। मुझे बचपन से परिवार की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लता मंगेशकर को भी बचपन में परिवार की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। मेरी लंबाई बहुत कम है। सचिन तेंदुलकर जी की भी लंबाई बहुत कम है। मैंने इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन व्यापारी बन गया। डेल कार्नेगी जी फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाहते थे और प्रख्यात लेखक बन गए। आप डायमंड बन सकते हैं। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या हो पाएगा? धीरू भाई अम्बानी भी एक छोटी सी नौकरी करते थे। मेरी कंपनी एक बार दिवालिया हो चुकी है, अब मुझ पर कौन भरोसा करेगा? दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता पेप्सी कोला भी 2 बार दिवालिया हो चुकी है। मेरा 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, अब क्या कर पाऊंगा? डिज्नीलैंड बनाने से पहले
वाल्ट डिज्नी का 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। दोस्तों, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। विश्व प्रसिद्ध केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक 60 साल की उम्र में जब रेस्तरां खोल सकते हैं तो हम ये बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी उम्र बहुत कम है तो टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की भी उम्र बहुत कम थी। मेरे पास काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचे। दोस्तों, मैं राजकुमार दक्ष, मेरे पास भी सेप शॉप ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने भी अपनी पत्नी के गहने बेचकर सेप शॉप बिजनेस शुरू किया। मित्रों, आप जितने भी बहाने सोच सकते हैं, मैं उनसे ज़्यादा नाम आपको बता सकता हूँ जिन्होंने मुश्किलों का हल ढूंढा है। कुछ लोग कहते हैं यह जरूरी नहीं जो प्रतिभा इन महानायकों में थी वह हमारे अंदर भी हो, लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ। पर यह भी जरूरी नहीं जो प्रतिभा हमारे अंदर है वह इन नायकों में हो। मैं किताबी बात नहीं कहता कि हर व्यक्ति इतनी ऊंचाई अर्जित कर सकता है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ हर वह व्यक्ति सफल हो सकता है जो हार के लिए तैयार हो और सही दिशा में डटकर जुट जाए। सफलता का प्रतिशत अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह तय है कि असफलता हाथ नहीं लगेगी। दोस्तों, यदि आपके अंदर योग्यता है और प्रतिभा है तो वह एक दिन अवश्य पहचानी जाएगी। इसके लिए आपको लोगों के बीच में जाना होगा और उन्हें प्लान दिखाना होगा। आपकी योग्यता स्वतः पहचान ली जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लाखों लोग प्रतिभावान हैं परंतु चंद लोग ही शिखर पर जगह बना पाते हैं। कुछ लोग अपनी प्रतिभा को अपने अंदर ही दफन कर लेते हैं। हमें कई लोग ऐसे मिलते हैं जो चमत्कारिक तरीके से शिखर पर पहुंच जाते हैं और अपने समकक्ष लोगों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। मेरा मानना है सफलता पाने के लिए जीनियस होने से कहीं ज़्यादा जरूरी है व्यवहारिक होना। आप इस बिजनेस में काफ़ी सारे लोगों को जानते होंगे जिनकी शिक्षा बहुत कम है, लेकिन व्यवहारिक होने की वजह से आज वे लग्जरी कार और ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत से क्षमतावान लोगों को देखा है जो टाल मटोल के कारण सफलता के सुनहरे अवसर खो रहे हैं। इस टालू जमात में सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये बहानों से अपनी सफलता को ढककर रखते हैं। टाइम नहीं है, बिजी था, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। जो लोग ऐसी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं वे अक्सर BWW, बिजी विदाउट वर्क, बिना काम के व्यस्त लोग, ऐसे लोग होते हैं। मेरा मानना है जो वाकई में बहुत सारी जिम्मेदारी उठा रहा हो उसी में योग्यता है कि वह एक जिम्मेदारी और उठा सके, क्योंकि ढेर सारे कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम हर रोज करके अपना समय व्यर्थ करते हैं, जैसे अनावश्यक टीवी देखना, ज़्यादा देर तक सोना, बिना बात के तर्क वितर्क करना, जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ भी ज्ञान देना, ज़्यादा देर तक फ़ोन पर बात करना, सोशल मीडिया में बिजी रहना। दोस्तों, हम इस समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और नए लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। अगर आप प्लान दिखाने के लिए तैयार हैं और घर से निकल चुके हैं तो कुछ जानने योग्य बातें। आप जिस भी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं उनसे मिलने से पहले समय निर्धारित करें। समय लेते हुए आने का प्रयोजन विस्तार से न कहें, बस यह कहें मैं एक विशेष व्यापार के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूँ। यह व्यापार आपके जीवन बदल देने वाला व्यापार है। कभी अचानक ही रेलवे स्टेशन या अन्य जगहों पर आपको जाना पड़ जाए या कहीं समय बिताना पड़ जाए तो आप बिना किसी भूमिका के उन्हें अपना प्लान दिखा सकते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का विरोधी है या नकारात्मक सोच रखता है तो काफ़ी मुश्किल होती है उस व्यक्ति को प्लान दिखाना, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप उसकी व्यक्तिगत रुचि जैसे राजनीति, परिवार, अर्थव्यवस्था या खेल जैसे अन्य विषयों से बात शुरू करें। यदि आप सीधे व्यापार की बात करेंगे तो वह व्यक्ति विरोध करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप उस पर अपनी बात थोप रहे हैं या जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं। प्लान करते समय यदि वह व्यक्ति आपका विरोध करता है तो आप उसकी बात मत काटिए, उसका विरोध मत कीजिए, उसकी पूरी बात सुनिए और फिर अपने सही तथ्य पेश कीजिए। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे पहुंचने से पहले उन तक अफवाहें पहुंच चुकी हैं, गलत बातें उनके दिमाग में भरी हुई हैं। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस व्यापार में घटिया और सिद्धांतहीन कंपनियां भी हैं जिन्होंने उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई है। आप अपनी बातों को तथ्य और प्रमाण के साथ उनके सामने रख दीजिए और उन्हें तुलना करने दीजिए क्या सही और क्या गलत है, और उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए।
ज्यादा सुनने के लिए आपको ऐसे सवाल करने पड़ेंगे जिनका वह आसानी से जवाब दे सकें। ये सवाल इस तरह के होने चाहिए जिससे वह स्वयं उत्तर की ओर बढ़ सकें। जैसे, यह प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा? आप इसे भगवद गीता के साथ शुरू करना चाहेंगे या घरेलू उत्पाद लेकर? यह सवाल दूसरे व्यक्ति को बांध देते हैं दोस्तों, और उन्हें कोई एक चुनना पड़ता है। वह व्यक्ति उत्तर देने के लिए मजबूर हो जाता है। सवाल जवाब के माध्यम से व्यक्ति की झिझक दूर कर सकते हैं तथा उसके मन में क्या है यह जान सकते हैं। और हाँ, एक ज्ञान की बात, आप अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए निम्न शब्दों का भी सहारा ले सकते हैं। बात सुनते सुनते जैसे, अच्छा, कैसे, क्यों, सच में, ओह, फिर, वाह, क्या बात है, जबरदस्त, अद्भुत, मजा आ गया। दोस्तों, ये शब्द सेतु बंधन कहलाते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। जब हम अपने सामने वाले व्यक्ति को महत्व देते हैं, वे व्यक्ति भी हमारी बातों को सहजता से सुनता है। यदि व्यक्ति आपकी सारी बातें सुन रहा है और धैर्य पूर्वक उत्तर दे रहा है, तो आप उससे उसके सपनों की बात कीजिए। ऐसे सपने जो वह अवश्य पूरे करना चाहता है, लेकिन जिनके रास्ते में ढेरों बाधाएं आ रही हैं, उन सपनों को जगाइए और उन सपनों को पूरा करने का हौसला दीजिए। उन्हें यह महसूस कराइए आप उनके सपनों के सफर में उनके साथ हैं। यदि आपने सही सपने जगा दिए तो वह व्यक्ति आपके साथ काम करने को तैयार हो जाएगा। अब देर मत कीजिए, उस व्यक्ति को तुरंत ज्वाइन करा लीजिए, उसी दिन ज्वाइन करा लीजिए, क्योंकि इंसान का मन चंचल होता है। और फिर जोड़ने के बाद जो भी पहला सेमिनार आपके शहर या आसपास में हो, उन्हें लेकर जरूर जाएं, ताकि जुड़ाव का बंधन और मजबूत हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मैं मेरे सभी अपलाइन मेंटर्स को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उन्होंने यह मुझे मौका दिया।